हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तभी तो मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पैर की लंबाई कितनी है और मेरे उंगलियाँ यानी टोज उसकी लंबाई कितनी है, पैर दाएं तरफ से कितनी है और बाएं तरफ से कितनी है। तो आपको सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा और दोनों पैरों को मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। शायद मेरा एक पैर छोटा एक पैर बड़ा भी हो सकता है तो मैं दोनों पैरों को दिखाऊंगी। तो ये वाला जो रिक्वेस्ट है वो बहुत महीनों से आ रहा था, बहुत ज़्यादा महीनों से। और ये वाली वीडियो आपको देख के क्या लगती है? अभी मैं ससुराल में हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो मैं कब का बना ली थी, मतलब जब बनारस में थी तभी का मैं बनाई थी, लेकिन इसको अपलोड नहीं की थी क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो थी। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतने सारे वीडियोज़ मिल रहे थे बनाने के लिए, नए नए आइडियाज़। और आप लोग को भी पता है कि मैं यहाँ गाँव पर आने के बाद आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वीडियोस भी दी हूँ, तो मुझे काफ़ी नए नए वीडियोस मिल रहे थे। तो मैं इसको एक तरफ साइड कर दी थी और इसका वीडियो मैं नहीं ला पाई थी, तो आज मैं इसका वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, पर उसमें मैंने आधा बोला था और आधा में म्यूज़िक लगा दी थी और वो म्यूज़िक कॉपीराइट हो गया था। इसके लिए मैं फिर 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दी और उसके बाद फिर से मैं यहाँ केवल बोलकर वीडियो लाई हूँ। तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मेरी क्या है लंबाई, वो आप खुद कमेंट करके बताना कि क्या है। तो आपको मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, आप लोग बताना कि मेरे पैरों की लंबाई क्या है और मेरे उंगली की लंबाई क्या है। मोटे वाले जो टोज हैं, उंगली है मेरी, अंगूठा उसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी लंबाई क्या है आपको देख के पता चल ही गया होगा। तो मेरे पैर बहुत लंबे लंबे हैं और मेरी उंगलियां भी बहुत लंबी लंबी हैं, और मेरे पैर जो हैं वो थोड़े चपटे से हैं और थोड़े लंबे हैं। तो लंबाई के लिए तो मुझे काफ़ी लोग मुझे तारीफ़ करते हैं कि मेरा पैर बहुत सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और स्कूल टाइम में भी मैं बहुत बड़ा साइज का ही जूती पहना करती थी, और मेरा जो जो भी सैंडल होता है वो लगभग 10 नंबर का आ ही जाता है। पर जैसे कोई कोई छोटी मोटी कंपनियां जो सैंडल बनाती है या चप्पल बनाती है तो कभी कभी नहीं होती है, लेकिन अच्छी ब्रांड की लेने पे मुझे अपनी मतलब लंबाई के अनुसार चप्पल या स्लीपर कुछ भी मिल जाते हैं, सैंडल भी मिल जाती है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जब भी मैं लेती हूँ फ्लाइट की चप्पल तो उसमें मुझे 8 नंबर बन जाता है, 8 नंबर से मतलब थोड़ा बहुत छोटा होता है पर वो फिट आती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ्लाइट का चप्पल, तो मैं वही हमेशा पहनती हूँ और वो मुझे परफेक्ट बनती है। और मैं खुद ही लंबी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे हाई हील्स वाले सैंडल नहीं पहनती हूँ। पर दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं जल्द ही एक नया हाई हील खरीदने वाली हूँ, और अगर आप लोगों को कोई हाई हील पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट में लिंक दे सकते हो कि मैं कौन सा हाई हील खरीदूं, तो जिन लोगों का मुझे अच्छा लगेगा वो मैं खरीदूंगी, तो आप मुझे लिंक ज़रूर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय।